सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर पत्रकारगण और मनीष कश्यप की माता और जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित, सबको पहले दिल से धन्यवाद देते हैं। और बात हमारे भाई ने कहा कि लगातार मनीष कश्यप पे हम वीडियो बनाते हैं, और यह बात की सच्चाई है कि हम मनीष कश्यप पे वीडियो बनाते हैं और मनीष कश्यप से जुड़े जितने भी अपडेट होते हैं हम लगातार देते रहते हैं। लेकिन आज बात करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि आखिर जब बिहार की दुर्दशा को, एक भ्रष्ट इंजीनियर को, भ्रष्ट नेताओं के बारे में जब कोई पत्रकार, कोई आम इंसान, कोई एक बिहारी लड़का बोलने का साहस करता है तब उनको जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। और इस पर जब जेल के सलाखों के अंदर उस पत्रकार को डाला जाता है तो उस पर जेल के जाने के बाद लोग अपना राजनीति रोटी फेंकते हैं, लगातार रोटी फेंकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बिहार के वकील, बिहार की अदालत में या कोर्ट की जब दलीलें पेश की जाती है, जब उनको भेजा कोर्ट में बुलाया जाता है, तब यह बहाना किया जाता है कि बिहार की पुलिस प्रशासन उनको बिहार लाने में सक्षम नहीं है। तो कभी यह भी बताया जाता है कि तमिलनाडु की पुलिस बिहार नहीं भेज रही है, वहाँ की कोर्ट नहीं भेज रही है, वहाँ की जज नहीं सुन रहा है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। भाई जब तक एक ईमानदार पत्रकार, एक ईमानदार लड़के के साथ कब तक खिलवाड़ होते रहेगा? एक माँ जब धरना में बैठ जाती है तभी राज्य के मुख्यमंत्री को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि एक लड़के का, एक नौजवान लड़के का जो बिहार का, बिहार के आवाम का आवाज बनता है, उनकी माता एक धरना पे बैठी हुई है, उनके भाई धरना पे बैठी हुई है, उनकी बहन धरना पे बैठी हुई है, उनके आस पास के लोग धरना पे बैठे हुए हैं, तब भी कोई बिहार के लड़के का आवाज नहीं सुन पाता है। अब आज तो बोलने में थोड़ा सा शर्म भी आता है कि जब वही मनीष कश्यप किसी के सर पर हाथ रखता था, किसी के लिए आवाज उठा देता था, तो उनकी पूरी चर्चा पूरे बिहार प्रदेश सभी लोगों करना शुरू कर देते थे। आज शर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि आजकल कुछ लोग भी आज मनीष कश्यप का टांग खींचने के लिए लगे हुए हैं। तो भाई ये कभी नहीं चलने वाला। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाकर बोलिए कि अगर मनीष कश्यप, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी, अगर मनीष कश्यप आपके बिहार के लिए, मनीष कश्यप आपके समस्या के लिए अगर एक शब्द भी बोले हैं तो आज मनीष कश्यप के लिए खड़ा होने की बारी है और हम सब लोग मजबूती से खड़ा रहेंगे, तभी हमारे मनीष कश्यप दोनों बिहार का जाना मनीष बिहार जाएंगे। बाकी बोलने के लिए बहुत है, तो बाकी बहुत सारे भाई है मैटर पे बोलेंगे, बाकी इतना ही बोलकर अपने भाई को इसी पे साथ करके कहें आ गया है कि हमारे बिहार के जो भी सत्ता के बैग में रखे थे, दीजिए ना। अच्छा,